प्रेज़ द लॉर्ड फ्रेंड्स, आज हम ये मसीह में हमारा आत्मिक युद्ध इसके बारे में काफी जानकारी ले चुके हैं। अभी तक मैंने जितने भाग अपलोड किए हैं वो 9.9, 10 शायद से 11 तक भी मैंने अपलोड्स किए हैं पार्ट्स उसके। तो यहाँ पर हम काफी हद तक हमने हमारा स्थान परमेश्वर के अंदर और शैतान के राज्य की बात क्या क्या है, उसके अंधेरे के सारी कोठरियां हम लोगों ने छान के देख लिया, पता कर लिया कि उसकी ऊंचाई चौड़ाई गहराई कहाँ तक है ना। तो हमारे पास अब जब हमको शत्रु का सारा जायजा मालूम पड़ता है, उसका सारा हिसाब किताब हमको मालूम पड़ता है, तब हम उसके ऊपर आक्रमण करते वक्त हमको पता है शत्रु की लिमिट कहाँ तक है। ओके, तो हम इस समय अभी परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो चुके हैं, हम परमेश्वर को फल देने के लिए तैयार हो चुके हैं। ओके, और आपको तो पता है यीशु मसीह के बारे में, अगर नहीं पता है तो मैं अभी भी बोल देती हूँ आपको कि शैतान को, जो लूसीफर एक ये नाम था उसका, और वो परमेश्वर के स्वर्ग में एक स्वर्गदूत था, और इसका मतलब क्या बनता है, उसका निर्माण करता परमेश्वर था, उसको नियोजित करने वाला परमेश्वर था, तो उसकी ताकत परमेश्वर से ऊंचे कैसे हो सकती है। ओके, तो उसके अंदर जो भी है वो परमेश्वर से निचले स्तर तक ही है। ओके, वो परमेश्वर से ऊंचाई के स्तर तक कभी भी नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है परमेश्वर ने उसको कैसे निर्माण किया है। अगर परमेश्वर निर्माण करना जानता है तो वो ही परमेश्वर उसका नाश करना भी जानता है। ओके, तो इसीलिए परमेश्वर शैतान से डरता नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसकी वीक पॉइंट कौन सी है, जो अगर छेड़ेंगे तो वो मर जाएगा। ओके, तो इसके लिए परमेश्वर को उसका कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है। ओके, वो बिल्कुल भी चिंता नहीं करता है शैतान ने क्या किया क्या नहीं, उसको जस्ट एक उसको जस्ट एक कैसे चाय में पड़ी हुई मक्खी को कैसे हम उठा के बाहर फेंक देते वैसे, और हमारा काम आगे चला देते हैं हम, ऐसे उसको उठा के फेंक देना है, वो गिरते रहेगी कहीं ना कहीं, किसी के चाय के प्याली में वो गिरते रहेगी, उसको उठा के फेंकते जाना है। ओके, तो हम लोगों को हमेशा हमेशा ये बात का कॉन्फिडेंस गहराई समझ जाना है कि हम जिस गहराई में है, हम जितनी चौड़ाई में है, ऊंचाई में है, लंबाई में है, हम सबसे ज्यादा सामर्थी है, विजय से ज्यादा विजय प्राप्त किए हुए हैं, हम जयवंत से भी बढ़कर, ऐसे हमको कहा गया है, वी आर मोर देन कॉन्करर्स थ्रू हिम हु लव्ड अस, हम उसकी खातिर जिसने हमसे प्रेम किया है उसकी खातिर हम विजेता से भी बढ़कर है, जयवंत से भी बढ़कर है। तो अब आप पूछिए मुझे या मैं आपको पूछूं कि एक जब युद्ध शुरू हो जाता है तो आप हार या जीत इसके अलावा और आपके लिए क्या हो सकता है, या तो आपके लिए आखिरी शब्द जो मिलने वाला है, कंक्लूशन मिलने वाला है, तो यही मिलेगा, हार गए या जीत गए। लेकिन ये वचन ऐसा कह रहा है कि उससे भी आगे बढ़ गए हैं आप। ओके, हार की तो बात ही नहीं है, आप जीत गए हैं, मसीह में है तो आप जीत गए हैं, और जीत भी ऐसी जीत की वो शब्द तक सीमित नहीं है, उसके भी और आगे विजय से भी बढ़कर, जयवन से भी बढ़कर आपने अपने आप को देखना है। ओके, तो उसके ऊपर उसके आगे क्या है हमको नहीं पता है, लेकिन वही परमेश्वर जानता है कि हम लोग जयवन से भी बढ़कर हो चुके हैं। ओके, तो हम शैतान के सामने सामर्थी है, हम उसकी सेनाओं के सामने सामर्थी है, हम उसके सारे हथियारों के सामने सामर्थी है, हम सिर्फ उसके
जो भी बातचीत है, जो उसका हमारे चाय की प्याली को ढूंढना, उस प्याली में चाय डालने तक रुकना और फिर बाद में एकदम मौका पाके टपक जाना उसके अंदर, ओके, ये उसका खेल है, ये उसकी तमाशगिरी है, ये उसका खेल है, ओके। वो नहीं चाहता है कि परमेश्वर का राज्य बढ़े, परमेश्वर के योद्धा बढ़े, वो नहीं चाहता है, ओके। तो वो आपके हर एक ब्लेसिंग्स के अंदर कहीं ना कहीं चोरी नाशघात करने का रास्ता ढूंढता रहेगा और वो आपको इस तरह से वो ब्लेसिंग्स को प्यार करने के लिए मजबूर करेगा कि आप उस ब्लेसिंग्स को खोने नहीं देंगे, आप उसको पकड़ के रखने की कोशिश करेंगे और वो उतना आपको सताएगा। खत्म, इतना ही उसका खेल है, ये खेल है बस, और उसके पास कुछ भी नहीं है टिकने वाला, ऐसा उसके पास कुछ भी नहीं है, वो जस्ट एक खेल तमाशा किए जा रहा है, ओके। तो उसके अंदर आपको कुछ भी व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ, अगर कोई बीमारी से हाथ काट दिया गया है तो मेरा परमेश्वर जो महान सामर्थी है नया हाथ दोबारा लगा देता है, वो प्लास्टिक सर्जरी का नहीं है, वो सच में नया हाथ पैदा करता है, वो जरूरत के हिसाब से बीमारियों को हटा देता है, वो जरूरत के हिसाब से बिना ऑपरेशंस के इंसानों को ठीक कर देता है, वो बिना पैसे खर्च किए इंसानों के जीवन की जरूरतें पूरी कर सकता है। तो आपको ये सब ब्लेसिंग्स के ऊपर इतना मन रखना नहीं है कि हमारा ब्लेसिंग, हमारा ब्लेसिंग, हमारा ब्लेसिंग, ये ब्लेसिंग की वजह से हम शैतान के गुलाम करने लगते हैं, क्योंकि हम ब्लेसिंग को बचाना चाहते हैं, इसके लिए हम ब्लेसिंग्स को बहुत संभालते बहुत संभालते बहुत संभालते, और शैतान जितना आप संभालेंगे उतना वो आपको ज्यादा स्ट्रेस देता जाएगा, ओके। आप स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको याद दिलाऊं मैं, जब जहां पर अकाल पड़ता था वहां पर परमेश्वर ने कहा आप बीज बोइए, और बीज बोने वालों ने बीज बोया तो वहां पर फसल निकल आती है। जहां पर सात सात साल तक अकाल पड़ने वाला है, परमेश्वर वहां पर बोलता है भंडारों को भर के रखो, ओके। तो परमेश्वर के पास योजनाएं हैं, परमेश्वर के पास हमको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, प्लान्स है, स्ट्रेटेजीज है, परमेश्वर के पास सिर्फ आप समय बिताइए, उसके गुणगान गाइए, आप प्रार्थना कीजिए, वचन पढ़िए, ओके, उसको पसंद है, वो सारी चीजें वचन में लिखी हुई है, आप वचन पढ़ के देखिए कौन सी चीजें उसको पसंद है, उसी को मार्किंग करके रखिए, ओके, और वहां पर वो आप उसको प्रकट कीजिए, आप उसके अनुसार जिए, ओके। ये तरह है हमारे इस पृथ्वी के जीवन के ऊपर जीने का। इसके लिए यीशु मसीह कहता है चिंता मत कीजिए, ओके। आप चिंता करके ना आपके आयुष्य का एक दिन बढ़ा सकते हैं ना एक दिन घटा सकते हैं, तो फिर आप क्यों ये चिंता किए जा रहे, ओके। तो आपके लिए जो करना है वो कीजिए, आपके लिए कहा है वो कीजिए, चिंता नहीं करना कहा है चिंता मत कीजिए, आपको जो आज्ञाएं दी है आप फॉलो करो, प्रार्थना करने कहा है आप कीजिए, उपवास करने कहा है आप कीजिए, आराधना करने के लिए कहा है आप कीजिए, बाइबल रीड करने के लिए कहा है आप कीजिए, ओके। जो आपको बोला गया है, जो आपको बोला गया है, प्रभु भोज करने के लिए कहा आप कीजिए, ओके। आपको जैसे जैसे आपको बोला है, फेलोशिप संगति रखनी है आप कीजिए, हाँ, आपको जैसा बोला है वैसे आप करते रहिए, खत्म बात, बात खत्म, ओके। और ये करते समय आपकी चाय की प्याली बनेगी, तब आपका ब्लेसिंग्स बनेगा, तब वहां पर टपक करके एक मक्खी आके गिरेगी, ये भी आपको याद रखना है, ओके। तो उससे आपको विचलित नहीं होना है, आपको ये पहले से मालूम रहता है कि ब्लेसिंग्स के ऊपर एक मक्खी आके गिरने वाली है, ओके। तो वो मक्खी को क्या करना है, हटाने की तरकीबें ढूंढना है, वो हटाने की तरकीबें कौन सी है, प्रार्थना करने का, उपवास करने का, आराधना करने का, ये तो आप हमेशा ही करते आ रहे हैं, तो मक्खी गिरेगी तो भी आपको परवाह नहीं है, आपको पता है क्या करना है ना। तो आपकी एक्सरसाइज हो गई, आपकी प्रैक्टिस भी हो गई, तो आपको जो करने के लिए कहा है वही शैतान के विरोध में हथियार बनता है, ओके। इसकी वजह से आपको आत्मिक हथियार
तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप बिना अटैक्स के भी आप हथियार बनकर ही जी रहे हैं, और अटैक्स आते हैं तब भी आप हथियार बनकर ही जी रहे हैं, तो शैतान तो बेकार में मारा जाता है, वो बिना अटैक किए भी मारा जा रहा है और अटैक करके भी मारा जा रहा है, तो उसका तो नुकसान ही है ना। तो इसकी वजह से आपको निरंतर परमेश्वर का जो कहना है उसी ओबीडियंस में चलेंगे, तो आपके और शैतान के जो युद्ध है इस पृथ्वी के ऊपर हमेशा आप वो आनंद में चलते रहेंगे, जानते हुए कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। ओके, मेरा कुछ भी नुकसान नहीं होगा, मेरा सब कुछ कर सकता है वो, और मैंने जिसके ऊपर भरोसा किया है वो मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है। ओके, वो अपने वचन से मुकरता नहीं है, वो अपने वचन से पीछे नहीं हटता है, वो अपने वचन के आधार पर मेरी जिंदगी को वो संवारता रहता है, और मुझे कोई परवाह नहीं है मेरे चाय की प्याली बन रही है, उसके अंदर चाय गिरने वाली है और उसके साथ साथ मक्खी भी तैयार है उसके अंदर गिरने के लिए, कोई परवाह नहीं है। ओके, वो सब तरीके हम सीख गए हैं, ऐसा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। फिर आपके सामने जब कोई कमजोर व्यक्ति है जो आपकी तरह तैयार नहीं हुआ है, आप अभी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं संगति में, ये वचन के आधार सीख रहे हैं आप, ओके, या सीख चुके हैं और दोबारा आपने मेरे से भी कुछ ज्यादा सीख लिया होगा या नहीं सीखा, लेकिन ये कॉन्टैक्ट है, ये डिवाइन कनेक्शन है जो आपका और मेरा इस वीडियो के आधार के द्वारा, ये चैनल के द्वारा, तो आपके लिए जो मिल रहा है, ओके, आपके लिए जो मिल रहा है वो जो अभी मेरे चैनल को नहीं देख रहे उनके पास ये बातें नहीं है। ओके, शायद से उनको ये सब मालूम नहीं होगा या मालूम भी होगा, और शायद से वो उस एरिया ऑफ लाइफ में जैसे आप तैयार हुए, आप वो तैयार नहीं हुए होंगे। ओके, अगर ऐसे इंसान आपके सामने आ जाए तो आपके पास अब तैयारी है कि आप उसके लिए युद्ध कैसे करना है और कैसे उसको जीत लेना है, आप उसके लिए एग्जाम्पल बन के दिखाओगे, आप उसके लिए एक फाइनल रिजल्ट बना के दिखाओगे। ओके, तो ये तरह है कि आपको परमेश्वर ने मेरे इस वीडियोस में से चलाया है, एक गुड फार्मर, एक गुड एथलीट, ओके, और एक गुड सोल्डियर बनने के लिए। ओके, गुड फार्मर आए सीजन जाए सीजन प्रार्थना करते रहिए, गुड एथलीट परमेश्वर की संगति को कभी नहीं खोना है, गुड सोल्डियर शैतान से डरना नहीं है। आमेन, ये आपके लिए आज का वचन है। थैंक यू, प्रभु आपको आशीष करे।